एक जंगल में दो गाय रहा करती थी। वो दोनों बहुत अच्छी मित्री थी। वो दोनों ही बहुत होशियार थी। उनके पास एक भेड़ भी रहती थी, लेकिन वो इतनी होशियार और बहादुर नहीं थी। एक बार गाय जंगल के बीच खड़ी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए घास खा रही थी। गाय अच्छे से अपना पेट भरकर अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले मोड़ पर एक भूखा और खतरनाक चीता उसका इंतजार कर रहा है। चलते चलते गाय जब अपने घर की ओर मुड़ती है तो उसे वहाँ एक भूखा और खतरनाक चीता दिखाई देता है। चीता गाय को देख भूख से दहाड़ने लगता है। गाय चीता को देख थोड़ी घबरा जाती है। तब गाय बोलती है, मुझे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चीता से बचने की कोई भी तरकीब सोचनी चाहिए। दूर खड़े क्या बोल रही हो, मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी से यहाँ आओ। तभी गाय के दिमाग में एक तरकीब आती है। चीता महाराज, मैं ये सोच रही हूँ कि आपके बाद कौन जंगल का राजा बनेगा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। यह तुम क्या बोल रही हो, मेरे बाद जंगल का राजा, तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, मुझे अभी एक जादुई परी मिली थी। उसने मुझसे कहा था कि आज तुम्हें एक चीता मारकर खा जाएगा, लेकिन वो तुम्हें खाते ही मर जाएगा। यह सुनकर चीता के माथे पर पसीने आ जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे एक गाय के चक्कर में अपनी जान नहीं देनी। जाओ जाओ, वो कोई और चीता होगा जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, वो कोई और चीता है। हाँ महाराज, मैं भी यही सोच रही हूँ कि वो कोई और ही हो, आप वो चीता ना हो। इतना बोलकर गाय अपनी गर्दन नीचे झुकाकर मासूम सा चेहरा लेकर वहाँ से चली जाती है और सब कुछ जाकर उस भेड़ को बताती है। गाय की बात सुनकर भेड़ में जान आ जाती है। अब मैं उस ओर बिना घबराए जाऊंगी, और अगर उसने मुझे कुछ कहा तो मैं भी उसे ऐसे ही पागल बना दूंगी। इतना बोलकर भेड़ बिना बात के ही चीता की ओर अपनी बहादुरी दिखाने चल पड़ी। चीता पहले से ही इतना भूखा था कि उसने बिना कुछ कहे सुने उस भेड़ को अपना शिकार बना लिया और मजे मजे से खाने लगा। इससे हमें पता चलता है कि कभी भी बिना बात के किसी खतरे की जगह नहीं जाना चाहिए। समझे?